तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका रेट्रो शावेस के यादों के रूहानी किस्से में। आज बात करेंगे बॉलीवुड लेजेंड सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी के गाए हुए एक सुपरहिट सुपर क्लासिक गाने के बारे में। किस्सा जुड़ा है 1973 में रिलीज हुई फिल्म यादों की बारात के एक सुपर डुपर हिट गाने से। फिल्म यादों की बारात को डायरेक्ट किया था नासिर हुसैन साहब ने। इस फिल्म को लिखा था सलीम और जावेद, यानी कि सलीम खान और जावेद अख्तर साहब ने, और फिल्म का संगीत दिया था राहुल देव बर्मन जी ने। जिस गीत की मैं बात करूंगा इसको लिखा था मजरूह सुल्तान पुरी जी ने। तो जब नासिर हुसैन साहब ये फिल्म बना रहे थे तब इस फिल्म में एक गाने की सिचुएशन आती है और तब नासिर हुसैन जी याद करते हैं मजरूह सुल्तान पुरी जी को। उनसे मिलते हैं और उनसे नासिर साहब कहते हैं कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं, ये एक यंग लड़के लड़कियों की स्टोरी है, कॉलेज स्टूडेंट हैं, उनकी लाइफ है, उनका रोमांस है, उनकी ज़िंदगी है। तो एक सिचुएशन है, इसमें एक लड़का और लड़की बात कर रहे हैं और एक बहुत रोमांटिक टाइप का गाना गाते हैं। तो नासिर साहब ने मजरूह जी से कहा कि मुझे इस गाने में कोई पोएट्री कोई शायरी नहीं चाहिए, गाना इस तरह का हो जैसे वो एक दूसरे से बात कर रहे हों, बात कहना, बात सुनना, एक कॉन्वर्जेशन चल रहा है। फिर नासिर हुसैन जी ने मजरूह जी को गाने की सिचुएशन सारी बता दी। उस म्यूज़िक डायरेक्टर आरडी बर्मन जी ने गाने की ट्यून पहले ही बना ली थी और उसी ट्यून पर मजरूह साहब को ये गीत लिखना था। उसके बाद मजरूह सुल्तानपुरी जी गाना लिखकर पहुंच गए नासिर हुसैन जी के पास और उनसे कहा कि ये गाना मैं लिखकर लाया हूँ। गाने के बोल हैं, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नज़र नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी ये जिंदगानी कहीं बदल ना जाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। जब ये बोल नासिर हुसैन साहब ने सुने तो उन्होंने कहा कि मजरूह तुम फिर एक शायरी लिख कर ले आए, इसमें वही है बदन और प्यार दिल, ये सब शायरी क्यों लिख कर ले आए, एक बातचीत वाला गाना होना चाहिए था। तब मजरूह सुल्तानपुरी जी ने कहा कि ये मेरी थिंकिंग है, इस गाने में बात ही हो रही है, लड़की अपनी बात रखती है, लड़का अपनी बात रखता है और यह एक तरह का कॉन्वर्सेशन ही है। लड़की कह रही है कि मेरी ज़िंदगी बदल देने के बाद कहीं तुम ना बदल जाना। दोनों के बीच ये बात चल ही रही थी तब आरडी बर्मन जी भी वहाँ पर मौजूद थे और वो एकदम बीच में आए और उन्होंने नासिर हुसैन साहब से कहा कि जो ट्यून मैंने दी थी उस ट्यून में मजरूह साहब का लिखा हुआ ये गीत एकदम फिट बैठ रहा है, क्योंकि आरडी बर्मन जी वहाँ पर ट्यून बनाने लगे थे, मतलब गाने को अपने मीटर में सेट कर रहे थे। दोनों की बात चल रही थी लेकिन आरडी बर्मन जी अपना काम बखूबी कर रहे थे, उस गाने को सेट कर रहे थे। तभी आरडी बर्मन जी ने ये बात कही और उन्होंने कहा कि ये गाना बहुत अच्छा बन गया है और मेरे हिसाब से ये गीत एकदम फिट है मेरे गाने की ट्यून के हिसाब से और इसके बोल भी बहुत अच्छे हैं। पंचम दा को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इतना अच्छा गाना उनके हाथ से चला जाए। उसके बाद नासिर हुसैन साहब ने कहा कि अगर आप दोनों को ये गाना ठीक लग रहा है, इसकी ट्यून ठीक है, तो फिर मैं बीच में नहीं आऊँगा, फिर आप दोनों अपना काम करिए और मुझे उम्मीद है कि सब कुछ बढ़िया ही होगा। उसके बाद तो पंचम दा ने इस गाने पे और ज़्यादा अच्छा काम किया, उस ट्यून में इस गाने के बोलों को फिट किया, सब कुछ रेडी था लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं था कि इस गीत को कौन गाने वाला है। और उसके बाद चुना गया था लेजेंडरी सिंगर सुरीली आवाज़ के मालिक और मालकिन मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी को। दोनों ने इस गीत को इस अंदाज से गाया है कि बस एक समा सा बांध दिया है। और इस गाने में जो आरडी बर्मन जी ने स्टार्टिंग में ग्लास की आवाज़ रखी है टन टन, वो आवाज़ इस गाने में और ज़्यादा चार चांद लगा देती है, लेकिन गायकी एकदम अव्वल दर्जे की थी, बहुत औसम थी। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। गाना रिकॉर्ड हो जाने के बाद सबको ये गीत बहुत ही पसंद था और फिल्म की रिलीज़ के बाद फिल्म भी सुपरहिट और ये गीत भी सुपरहिट और आज तक ये गीत एक
क्लासिक हिट बना हुआ है, बल्कि ऑल टाइम क्लासिक हिट है ये गीत, जो कि लोग बहुत पसंद करते हैं और मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी के गाए हुए सबसे बड़े सुपरहिट गीतों में ये गीत भी आता है, जो कि ऑल टाइम सबका फेवरेट है। तो इस किस्से का जिक्र मजरूह सुल्तानपुरी जी के बेटे ने एक इंटरव्यू में भी किया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए रेट्रो।